Hello students, how are you? Today we will discuss about the poem Song of Hindustani Minstrel, written by the great Indian poet Henry Louis Vivian Derozio. Introduction of the poem. The poem originally published with the spelling Hindustani, written by Henry Louis Vivian Derozio. It was first published in 1827 as part of his first book of poetry. The poem structured around three main points. First, the speaker describes the beauty of his beloved. And next, he speaks about poverty. And finally, he assures his beloved that soon they will see better days. At the end of the poem, the poet presents the optimistic picture in front of his beloved. He says that though the world may change, their love for each other will remain the same and will continue to love each other till their end. The poem has been compared to the vision of the lovers in the poem The Last Ride Together by Robert Browning. तो ये जो पोएम है वो उसके अंदर तीन मेन पॉइंट्स है. फर्स्ट तो जो पोइट है डेरोजियो, उनकी जो बिलव्ड है कश्मीरी गर्ल, उसकी ब्यूटी के बारे में उन्होंने बातें की है. फिर पॉवर्टी के बारे में बातें की है. और नेक्स्ट वो अपनी बिलव्ड को अश्योर करते हैं, उसे विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी ही उनके दिन जो हैं चेंज होने वाले हैं. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. With the surma tinge the black eyes fringe, it will sparkle like a star. With roses dress each raven dress, my only loved Dildar. इस फर्स्ट स्टेंजा में पोइट अपनी बिलव्ड के फिजिकल ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. पोइट कहते हैं कि उनकी जो बिलव्ड है उनकी आंखें तारों की तरह चमकेंगी जब वह अपनी आंखों में सुरमा डालेगी, मतलब अपनी आंखों में काजल लगाएगी. सुरमा मींस काजल. टिंज द ब्लैक आइज फ्रिंज, वो किनारे तक बिल्कुल जब वो अपनी काली आंखों में काजल लगाएगी तो उनकी आंखें एक तारे की तरह चमकेंगी. विद रोजेज ड्रेस ईच रेवन ट्रेस, माय ओनली बिलवड दिलदार. और जब वो अपने रेड रोज जैसे ड्रेस पहनेगी तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगी. और उनकी जो बालें हैं, ट्रेस मतलब बालों की लटें और रेवन यानी ब्लैक, उनके जो काले बालों की जो लटें हैं वो कोवे के जैसी काली होंगी. लेकिन पोइट जो है केवल अपनी जो बिलवड है उससे प्रेम करता है. दिलदार, पोइट यहाँ पर अपनी बिलवड को दिलदार कह करके एड्रेस कर रहे हैं, जो कि एक कश्मीरी गर्ल है. देयर वॉज मैनी ए वैल्यूड पर्ल इन रिचेस्ट ओमानसीज, कि ओमानसी में, ओमान सागर में बहुत सारे जो हैं बहुत कीमती और बहुमूल्य मोती हैं. वहाँ पर जो है ये जो ओमान सागर है वो मात्रा में और गुणों में उत्कृष्ट मोतियों से परिपूर्ण है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे बेशकीमती मोती विद्यमान है. किंतु बट नन, लेकिन एक भी मोती ऐसा नहीं है. माय फेयर कश्मीरियन गर्ल, ओ नन कैन राइवल दी, कि जो जो कभी की बिलेवड है उसकी तुलना में ठहर सके, मतलब कोई भी मोती तुमसे ज़्यादा इस संसार में सुंदर नहीं है. वो
मोतियों से भी ज़्यादा अपनी बिलवड़ को ब्यूटीफुल और प्रीशियस मानते हैं। इन बुशरा देर इज़ मैनी ए रोज़ बिच मैनी ए मेड मे सीक, बट हु शेल फाइंड ए फ्लावर बिच ग्लोज लाइक दैट अपॉन दाई चीक। बुशरा जगह पर पोइट अपनी जो बिलवड़ है उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करते हुए कहता है कि कोई भी चीज़ जो है इस कश्मीरी गर्ल की ब्यूटी का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो पोइट कहता है कि बसरा में बहुत सारे सुंदर गुलाब के फूल हैं, बिच मैनी ए मेड मे सीक, जिनको बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनकी पाने की लालसा उनके मन में होती है, बट हु शेल फाइंड ए फ्लावर विच ग्लोज लाइक दैट अपॉन दाई चीक। लेकिन पोइट कहता है कि जो उनकी जो बिलवड़ है उनके जो चीक पे जो शाइन है, जो चमक है गुलाबी रंग की, उसकी तुलना कोई भी फूल नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा फूल नहीं प्राप्त कर सकता है जो ऐसी सुंदरता दिखाता हो जैसे कि जो उनकी बिलवड़ के जो चीक हैं उनके ऊपर दिख रही है। मतलब पोइट जो है वो उन सुंदर फूलों को भी अपनी बिलवड़ के सामने कुछ नहीं मानता है, जो कि मोती और गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इन वर्डेंट रिल्म नीथ सनी स्काई स्काइज विद बिचिंग मिनस्ट्रेलसी वी शेल फेवर फाइंड इन ऑल यंग आइज एंड ऑल शेल वेलकम दी। तो जो पोइट है वो कहता है कि उन क्षेत्रों में जहाँ हरियाली पूरी तरीके से फैली हुई है, इन वर्ल्ड एंड ट्रिल मतलब वहाँ पर पूरी तरीके से हरियाली ही हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है। नीत सनी स्काइज चमकीले धूप भरे आकाशों के नीचे, मतलब जहाँ पर पूरा सन जो है शाइन करता हो, विद बिचिंग मिनस्ट्रेलसी, अत्यधिक बिचिंग मिनस्ट्रेलसी का मतलब है अत्यधिक आकर्षक और मोहक संगीत जो कि घुमक्कड़ जातियों द्वारा गाया जाता है। तो वो कह रहा है पोइट कि उन हरियाली जहाँ पर हरियाली का पूर्ण साम्राज्य है और चमकीले धूप भरे आकाशों के नीचे वो बहुत ही आकर्षक और मोहक आवाज़ में गाना गाएगा, जो कि घुमक्कड़ कवि गायक के मधुर गीत के समान होगा। वी शेल फेवर फाइंड इन ऑल यंग आइज एंड ऑल शेल वेलकम दी। और कवि की जो उनकी बिलवड़ की जो सुंदरता है और डेरोजियो के जो मधुर गीत है के गाने के कारण सभी लोग जो हैं उनकी जो बिलवड़ है उसका बहुत ही अच्छा स्वागत करेंगे, मतलब सब लोग जो है उनको पसंद करेंगे। अराउंड अस नाउ देयर वॉज वट द नाइट। पोइट कह रहा है कि अभी हमारे चारों तरफ रात्रि का अंधकार है, एंड द हेवन अलोन अबव, और सिर के ऊपर आसमान के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब अभी हमारे जीवन में अंधेरा है। बट सून वी विल ड्वेल इन सिटीज ब्राइट देन चीयर दी लव, लेकिन जल्दी ही वे दोनों चमकीले चमकदार शहरों में चले जाएंगे जो कि प्रकाश और आनंद से परिपूर्ण होंगे। तो पोइट जो है अपनी बिलवड को प्रोत्साहित करता है और उसको खुश होने के लिए कहता है कि बहुत जल्दी हमारा टाइम चेंज होगा और निकट भविष्य में ये जो हमारी लाइफ का जो अंधेरा जो हमारी लाइफ में छाया हुआ है उसकी जगह प्रकाश ले लेगा, मतलब हमारे जीवन में भी खुशियाँ आएंगी और
दुख का स्थान आनंद और प्रसन्नता ले लेंगे। वो किसी भी अंधेरे वातावरण में नहीं रहेंगे, बल्कि किसी प्रसन्नता से पूर्ण शहरों में वो लोग निवास करेंगे। द हार्ट इटर्नली इज ब्लेस्ड वेयर होप इटर्नल स्प्रिंग्स। तो पोइट जो है अपनी बिलेवड को प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि, और उसको विश्वास दिलाता है कि वो बहुत जल्दी ही इस अंधकारपूर्ण वातावरण से प्रकाशपूर्ण शहरों की ओर चले जाएंगे। पोइट कहता है कि जब पृथ्वी के धरातल से आशा का जन्म होता है, मतलब द हार्ट इटर्नली इज ब्लेस्ड वेयर होप इटर्नल स्प्रिंग, जहाँ पर आशा का जन्म होता है, तो हृदय को भी, मतलब हार्ट को भी एक बहुत सुख कामना और ईश्वर का वरदान प्राप्त होते हैं। देन हश दाय सोरोज ऑल टू रेस्ट, वी विल ट्रीट द कोर्ट्स ऑफ किंग्स। तो पोइट कहता है कि उनकी जो बिलवड है वो अपने सारे दुखों को, सोरोज दुखों को बिल्कुल उनको शांत कर देना चाहिए उसकी बिलवड को, क्योंकि उनका भविष्य आशा से परिपूर्ण है और उन्हें वे सारे आनंद आमोद प्रमोद मनोरंजन प्राप्त होंगे जो कि शाही दरबार के लिए उपयुक्त है। वी विल ट्रीट द कोर्ट्स ऑफ किंग, हम किंग की तरह हमको ट्रीट किया जाएगा। इन पैलेस हॉल्स आर स्टेन्स वी विल रेज, देयर ऑल आर सॉन्ग्स शेल फ्लो, कम चीयर दी स्वीट फॉर वेटर डेज शेल डाउन अपॉन आर वो। पोइट इन लाइन्स में अपनी जो बिलवड है उसको एक ढांढस बनाता है और कि कहता है कि उनका अच्छा समय आएगा, जैसे रात के बाद सुबह आती है उसे उनके कष्ट भी दूर होंगे और उनका अच्छा समय आएगा, क्योंकि सुख और दुख का एक चक्र है, तो उनके दुख के दिनों के पश्चात अच्छे और प्रसन्नता के दिन आएंगे। इन पैलेस हॉल्स आर स्टेन्स वी शेल रेज, और वे दोनों गीतों को, स्टेन्स यानी सॉन्ग्स, अपने गीतों को खुशी से और ऊंचे स्वर में महलों में और हॉल्स में गाएंगे। देयर ऑल आर सॉन्ग्स शेल फ्लो, तो केवल उनके ही गीत वहाँ पर प्राकृतिक रूप से प्रभावित होंगे, एक रिवर के पानी की तरह। कम चीयर दी स्वीट, तो अपनी बिलवड को एक साहस, हौसला और साहस रखकर खुश होने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो बेटर डेज है वो जगह ले लेंगे, मतलब हमारे दुख खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह पर अच्छे दिन आ जाएंगे। ने बीप नॉट लव दाउ शुडस्ट नॉट बीप, द वर्ल्ड इज ऑल आर होम, लाइफ्स वॉच टुगेदर वी शैल कीप, वी विल लव वेयर एवर वी रोम। पोइट जो है अपनी बिलवड से कहता है कि वो रोए नहीं और दुखी भी ना हो, उसके लिए ये रोना और ऐसे दुख व्यक्त करना ठीक नहीं है। द वर्ल्ड इज ऑल आर होम, सारा संसार ही उनका घर है। लाइफ्स वॉच टुगेदर वी शैल कीप एंड वी विल लव वेयर एवर वी रोम। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहेंगे एक दूसरे, और वे दोनों ही एक दूसरे की संगत में अपना जीवन बिताएंगे। दोनों साथ साथ जीवन की गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, उनका गहन अध्ययन करेंगे, और जहाँ भी जाएंगे किसी स्थान पर अपना घर बनाकर बस जाए, वे हमेशा ही एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो पोइट है वो अपनी बिलवड से सभी स्थानों पर प्रेम से रहने का प्रॉमिस करता है। लाइक बर्ड्स फ्रॉम लैंड टू लैंड वी विल
रेंज एंड विद आर स्वीट सितार आर हार्ट्स द सेम दो वर्ड्स मे चेंज वी विल लिव एंड लव दिलदार। तो पोइट अपनी विलेवर्ड से कहता है कि दोनों सारी दुनिया का भ्रमण करेंगे और उनका जीवन पर्यंत मधुर और हृदय को लुभाने वाला सितार का संगीत होगा उन दोनों के साथ। आर हर्ट्स द सेम हमारे हर्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दो वर्ड्स में चेंज कि भले ही संसार बदल जाए लेकिन उन दोनों के प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। वी विल लिव एंड लव दोनों साथ जिएंगे और दोनों आपस में एक दूसरे को प्रेम करते रहेंगे। जब तक वो जीवित रहेंगे लगातार प्रेम करते रहेंगे। सो ये थी हेनरी विवियन डेरोजियो की पोएम द सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तानी मिनस्ट्रल, जिसमें पोइट जो है अपनी स्टार्टिंग में अपनी बिलवर्ड की ब्यूटी के बारे में बातें करता है, बाद में अपनी कंडीशन के बारे में बताता है, लास्ट में अपनी बिलवर्ड को एक ढांढस बंधाता है कि जल्दी ही हमारे जो दिन हैं वो चेंज होंगे, तो उसे अपने दुखों को छोड़ करके आने वाले दिनों के बारे में सोचना चाहिए। आपको आशा है आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।